क्योंकि अक्टूबर में मेरी तबीयत खराब हुई, दिसंबर में मैं डायलिसिस पे आ गया, तो वहाँ पे किसी ने बोला आप आयुर्वेदिक करा लो, तो फिर मैंने जनवरी में आयुर्वेदिक का स्टार्ट किया और 3 महीने मैंने किया और उस समय मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो आयुर्वेदिक आपको किसने बोला था खाने को? मेरे बराबर में एक पेशेंट था, तो उसने कहा मेरे को फायदा हो रहा है, ये है वो है, तो मैं देहरादून चला गया, उसको तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन मेरे को बहुत नुकसान हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस दोनों एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में अच्छा नहीं गया? जी हाँ, शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था और रोता था। डायलिसिस के टाइम पे कोई मिलने आता तो मैं उससे बात नहीं करता था, इतनी मेरे को टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कोई भी एक ऐसी मेरे पास विटनेस नहीं है कि जिसने आयुर्वेद की दवाई दी और वो ठीक हो गया। मैं 56 साल का हूँ, 56 ईयर्स। ठीक है, और अभी आप कब से डायलिसिस पे हैं? मेरे को 7 ईयर्स हो गए। जी, क्या प्रॉब्लम हुई थी कि आप डॉक्टर के पास गए और आपको पता चला कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है? मेरे को खांसी हुई थी बहुत ज़्यादा और 1 महीने तक खांसी ठीक ही नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो एंटीबायोटिक देते रहे, उसमें कुछ खाली पेट भी थी और काफ़ी मेडिसिन दी उन्होंने, 1 महीने तक खांसी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने उनको बोला मेरे को ठीक नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो अपना हार्ट चेक कराओ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया उन्होंने। तो वहाँ पे चेक कराया तो हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर भी वो मेडिसिन दी। मैंने उनको बोला मेरे किडनी में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आप एक बार किडनी चेक करो। तो फिर उन्होंने किडनी चेक की तो कह रहे थे आपका साइज तो नॉर्मल है, किडनी में कोई इन्फेक्शन, लेकिन ना तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया ना KFA LF कुछ। 1-1.5 महीना हो गया, फिर मैंने ही फिर उन्होंने बोला सकता है आपका थायराइड बढ़ गया हो, थायराइड चेक कराया तो बढ़ा हुआ था। फिर मैंने खुद ही अपना KFA LF बीपी चेक कराया तो मेरा उस समय ग्रेटर 5। अच्छा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा मेरे को आप रेफर कर दो RML हॉस्पिटल के लिए, तो उन्होंने वहाँ के लिए किया नहीं कि यहीं से ठीक हो जाएगा ये, उसमें उन्होंने 2 महीने निकाल दिए, फिर मुझे ही RML जाना पड़ा। उस समय मेरा क्रिएटिनिन जब उन्होंने चेक किया तो 12 पहुँच गया। हाँ, उसके तो बाद काफी जल्दी आपकी किडनी खराब हो गई और क्रिएटिनिन बहुत जल्दी बढ़ गया। हाँ, फिर मैं स्टीफन में एडमिट हो गया, वहाँ मेरी बायोप्सी हुई तो उन्होंने बोला आपकी किडनी में सिस्ट है, ये सिस्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई। फिर वहाँ मेरा डायलिसिस। उन्होंने कोई ऐसे डायग्नोसिस दिया कि किडनी खराब क्यों हुई है? बस यही बोला कि सिस्ट है। हाँ, बस उन्होंने बोला सिस्ट है और डायलिसिस भी ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम। आपने ये जो खांसी के लिए दवाई खाई या एंटीबायोटिक आपने कितनी देर के लिए खाई? वो 1 महीने खाई मैंने। और उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई या उससे पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी? मैं उसके बाद ही हुई, इससे पहले मेरा बीपी लो रहता था, कभी बीपी हाई नहीं हुआ। मेरे को प्रॉब्लम ही शुरू से बीपी लो की प्रॉब्लम थी और उसके बाद मेरा बीपी हाई हो गया। अभी ऐसे बताना वैसे मुश्किल है कि क्या हुआ, बट एंटीबायोटिक कभी कभी किडनी को डैमेज कर सकती हैं और अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म के लिए लो तो उससे भी किडनी खराब हो सकती है, टू द पॉइंट कि डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने एंटीबायोटिक जब बंद करी तब आपका क्रिएटिनिन कम हुआ या तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उस समय तो मुझे मालूम ही नहीं था क्रिएटिनिन क्या होता है और डायलिसिस क्या होता है, हमें खुद नहीं मालूम था वो। तो फिर जब मैंने अपना टेस्ट कराया, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला उनको दिखाओ, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला आपका क्रिएटिनिन 5 पॉइंट है, 4.9 के करीब है। तो फिर भी मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं था कि ठीक हो जाएगी, मुझे मालूम भी नहीं था क्या है क्या, लेकिन डॉक्टरों ने कोई सीरियसली लिया नहीं वजह से, क्योंकि मुझे शुगर वगैरह कभी कुछ नहीं रही, यूरिन की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक भी मुझे यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी भी यूरिन पास करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 7 साल हो गए, अभी तक भी मुझे यूरिन आता है। कितना यूरिन पास करते हैं दिन में? मैं 2 बार 100 ml के आसपास समझ। और आप काम करते हैं? हाँ, अभी जब से कोविड हुआ है उसके बाद से मैं जॉब नहीं कर रहा, पहले मैं जॉब कर रहा था। क्या काम करते थे आप? मैं कोरियर में था, कोरियर कंपनी में एज ए मैनेजर। जब आप काम कर रहे थे आप डायलिसिस तब करवा रहे थे? नहीं, उस समय नहीं करा रहा था। जब मेरा डायलिसिस हुआ तो कुछ सालों बाद मेरे को थोड़ा सा आराम हुआ तो मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया था, जब नोटबंदी हुई थी उस समय। तो क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम कोई नहीं थी, सांस नहीं फूला कभी मेरा और कभी ऐसे वीकनेस नहीं हुई। आपने कभी कोई अल्टरनेट दवाई ट्राई करी, जैसे आयुर्वेदिक दवाई या ऐसा कुछ कभी ट्राई किया? जी हाँ, जी हाँ, तो मेरे को किसी ने बोला था कि आप आयुर्वेदिक दवाई करो। स्टार्टिंग में दिसंबर में मेरा ये डायलिसिस पे आ गया था मैं, क्योंकि अक्टूबर में मेरी तबीयत खराब हुई, दिसंबर में मैं डायलिसिस पे आ गया, तो वहाँ पे किसी ने बोला आप आयुर्वेदिक करा लो, तो फिर मैंने जनवरी में आयुर्वेदिक का स्टार्ट किया और 3 महीने मैंने किया और उस समय मेरी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। फिर HB4 आ गया 12 से, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। तो मुझे फिर हॉस्पिटल में दोबारा से एडमिट होना पड़ा। तब मेरे को 3 यूनिट ब्लड चढ़ा और उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथिक भी कराया। होम्योपैथिक से भी कोई ट्रीटमेंट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मेरे को कंटिन्यू फिर मैं एलोपैथिक में आ गई। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया आपको वहाँ पे दवाई से आयुर्वेदिक? तो वहाँ जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला, देखो हमारे पास ये रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, फाइलें हैं, सबके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट इसमें लगेगी और किसी का 2 महीने में बंद हो गया, किसी का 3 महीने में, हम डायलिसिस बंद कर देंगे आपका। तो डायलिसिस तो मेरा उन्होंने बंद कर दिया। 3 महीने मैंने डायलिसिस ही नहीं कराया। गले में लाइन डली हुई थी, वो भी मैंने नहीं निकलवाई, वो अपने आप ही निकल गई। और 1 महीने मेरे को 12 से 5 आ गया मैं, लेकिन दूसरे महीने फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मैंने उनको बोला, कह रहा है आपने परहेज कुछ मिस किया होगा या आपने टाइम से कुछ नहीं खाया होगा। अब उन्होंने इतना दवाइयाँ दी और खाना पीना मेरा बंद कर दिया और इसमें मेडिसिन, नारियल पानी, नींबू पानी और काढ़े, ये बस इस पर डिपेंड हो गया और मैं बिल्कुल वीक हो गया एकदम बहुत ज़्यादा। और मेरा HB4 आ गया। मैं रात भर सोता नहीं था, तड़पता रहता था। फिर मुझे इमरजेंसी में एडमिट दोबारा होना पड़ा। तो उन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया। तो आपका एक्सपीरियंस दोनों एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में अच्छा नहीं गया? जी हाँ। जब लोग डायलिसिस पे होते हैं या शुरू करते हैं तो काफी डर जाते हैं। आपको कैसा लगा जब आपको बोला गया कि डायलिसिस की जरूरत है? शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था और रोता था। डायलिसिस के टाइम पे कोई मिलने आता तो उससे बात नहीं करता था। इतनी मेरे को टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा, तो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो मेरे रिलेटिव्स आते थे, एक्चुअली आई एम ए क्रिश्चियन, तो मेरे पास्टर्स आते थे चर्च के, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तब मैं अपने आप को, क्योंकि शुरू में तो सुसाइड के भी मेरे को थॉट्स आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, जो मेरी हालत थी। तो लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे बहुत संभाला, मुझे मोटिवेट किया, हिम्मत दी। तो फिर मेरे को साल भर लगा अपने आप को संभालने। ये आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली, क्योंकि कई लोग ना जब किडनी के बारे में बात करते हैं ये नहीं समझते मेंटल हेल्थ या फिर आपके मूड पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, तो जी। कई लोगों को डिप्रेशन होता है, ऐसे ख्याल आते हैं। आप और लोगों को जानते हैं जिनको ऐसे ख्याल आए हो जब उन्होंने डायलिसिस शुरू करी हो, जब उनको पता चला? बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं और बहुत सारे लोग इस वजह से चले भी गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना डिप्रेशन में डाल लिया कि अब इसके बाद लाइफ खत्म है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी और बहुत सारी फिल्में देखी इससे रिलेटेड और उन लोगों से मिला जो इसको सर्वाइव कर गए। तो उससे मुझे, इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया अपनी कंपनी में डबल सैलरी पे, डबल पोस्ट पे। तो लेकिन वो नोटबंदी होगी इस वजह से मैंने छोड़ दिया। और वो अभी भी बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी मेरी सर्जरी फिस्टुला इस हाथ में, तो वो निकाल के उन्होंने राइट हैंड में बनाया, तो उससे वीकनेस बहुत आ गई मेरे को। तो उससे पहले मेरे को इतनी वीकनेस नहीं थी। मेरा वेट भी 6-7-8 kg कम हो गया। तो मैंने उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया। किसी को मालूम भी नहीं था कि इनका डायलिसिस होता है पूरी कंपनी के अंदर। सिर्फ कुछ लोगों को मालूम था कि इनका डायलिसिस होता है। जब तक मैं नहीं बताता था हमको पता नहीं लगता था कि एज अ डायलिसिस पेशेंट। अब आपका मूड कैसा है? अब आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इसको लेके या फिर अभी भी कभी-कभी लगता है कि मूड लो? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ और लोगों को बताता भी हूँ इस बारे में। बहुत सारे लोगों को मैं जाता हूँ तो इसके लिए मैं प्रेयर भी करता हूँ और बाइबल से उनको समझाता भी हूँ कि हर एक चीज़ का समय है। तो और मेरे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, तो कभी उन्होंने मुझे निराश होने नहीं दिया और मेरी फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया हर तरह से। तो मेरे को इतनी हिम्मत आई कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, खुद अपने आप करता हूँ सारा काम, जैसे खुद आना जाना। और जैसे मेरी 2-3 बार एंजियोप्लास्टी हुई तो मैं खुद ही जाता था अकेला, लेकिन फैमिली फिर भी ज़बरदस्ती पहुंचते थे कि नहीं हम जाएंगे। तो मैंने कहा मैं कभी किसी का सहारा नहीं लूँगा और खुद डिपेंड रहूँगा ज़्यादातर। तो खाना पीना, मेरी डाइट अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ये मेरा मोटिवेशनल हो बाकी लोगों के लिए जिनको किडनी की बीमारी होती है, क्योंकि उनका मन काफ़ी उदास हो जाता है ये सब सुन के। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना मन उदास मत करो, बट अगर है तो सपोर्ट सिस्टम और मोटिवेशन के साथ ये आराम से ठीक हो सकता है। और आप 5 साल से डायलिसिस पे हो, आपने खुद देखा होगा कि ये इतना भी बुरा नहीं है। लोग जिंदगी जी पाते हैं डायलिसिस पे और सिर्फ 4 घंटे की बात होती है, कभी 2 बार हफ्ते में, कभी 3 बार, बट बाकी टाइम सारा आपका। अगर तो मैं काफी घूम के भी आता हूँ मैं, जैसे हमारी फैमिली जाती है हिमाचल, नैनीताल, शिमला, मनाली, तो मैं सब जगह चला जाता हूँ बिना डायलिसिस के। हफ्ता 10 दिन मैं निकाल लेता हूँ, बल्कि वहाँ मैं ज्यादा बेटर रहता हूँ, तो हाइट पे भी चढ़ना उतरना मेरे को कोई इशू नहीं है। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को जो आपकी स्टेज पे हो 6 साल पहले, 7 साल पहले, जिसका अभी क्रिएटिनिन 6 या 7 है और उनको बोला जा रहा है कि शायद आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है बीमारी से लड़ने का, तो आप इसको भी काफी हद तक हरा नहीं सकते, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हो। जहाँ आपने 2 साल में खत्म होना, आप 10 साल भी, 15 साल भी आप इसके लिए निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हमें अपनी बीमारी से लड़ना होगा और ध्यान रखना होगा अपनी डाइट का, मेडिसिन का, अपनी सेहत का, क्योंकि हमें अपना ही ध्यान रखना है, कोई ध्यान नहीं रखेगा। डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, फैमिली हमारे को सुविधा दे सकती है, लेकिन हमें उस चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं संजीव सर का थैंक्स करूँगा, क्योंकि इन्होंने शुरू में मुझे बोला था कि आप जॉब मत छोड़ना, आप कंटिन्यू अपने आप को बिजी रखना, जितना आप बिजी रहोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप किडनी पेशेंट हो। तो उस बात को भी मैंने अपने दिल में रखा कि मैंने अपने आप को बिजी रखना है। अगर मैं जॉब भी नहीं करा तो अभी मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपने चर्च की एक्टिविटीज़ में, और मैंने गार्डन बनाया हुआ छत पर, उसमें बहुत बिजी रहता हूँ। तो ये मेरे को मतलब काफी सपोर्ट देते हैं, हिम्मत देते हैं ये चीजें, और तो मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। आप आयुर्वेदिक दवाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आयुर्वेदिक का कोई भरोसा नहीं है सर, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि कितनी दवाइयाँ कितने टाइम से वो उनके पास रखी हुई हैं, और उनका, क्योंकि उनके पास कोई रिसर्च सेंटर तो नहीं है, वो तो खाली लोगों के कहने पे अब लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आई डोंट नो, उन्हें मालूम नहीं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत बैड एक्सपीरियंस था, और जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी आयुर्वेद के पेशेंट मेरी नॉलेज में हैं, इस समय कोई भी जो है जिंदा नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी एक ऐसी मेरे पास विटनेस नहीं है कि जिसने आयुर्वेद की दवाई दी और वो ठीक हो गया। मैं 7 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ, और मैंने करीब 10 सेंटर में अपना डायलिसिस कराया, कोई भी मेरे को एक गवाह ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने आयुर्वेद में दवाई ली है और मैं ठीक हो गया। अभी जैसे हिम्स का चल रहा है पानी के लिए कि भाई पानी में आप 4-4 घंटे बैठो, उसमें बहुत सारे लोगों से मैं मिला, तो उन्होंने ये कहा कि हम पानी में बैठ गए लेकिन हमारी स्किन डैमेज हो गई, और इतनी डैमेज हो गई कि जब हम घर आते हैं तो हमें लगता है कि स्किन ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी। वो बोलते हैं कि उससे आपका यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ उनका? हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वो पानी में पसीने आते हैं, गर्मी में बैठते हैं, लेकिन जब उसको छोड़ देंगे तो वो सेम उसमें आ जाता है। पसीना आना और एक किडनी की मशीन का बहुत अलग तरीका है काम करने का, वो कभी भी ऐसा एफिकेसी नहीं कर सकती जो किडनी की मशीन या डायलिसिस की मशीन करती है। जी, पसीने आने से हाँ हो सकता है यूरिया क्रिएटिनिन कम, बट उस लेवल पे नहीं हो सकता जो डायलिसिस। सर मैं बहुत पसीना निकालता हूँ, बहुत ज्यादा, मैं फिजिकली वर्क करता हूँ, चलता बहुत हूँ, और ज़्यादातर मैं एसी में सोता नहीं हूँ, मैं पंखे में सोता हूँ, जबकि घर में एसी है, और काम करता हूँ तो मेरे को पसीना आता है, लेकिन उससे क्रिएटिनिन लेवल का कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद इसको अपने बॉडी पे तजुर्बा किया है, और उससे कोई फायदा नहीं होता, बस बॉडी रिलैक्स रहती है, हल्की रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका मैसेज हजारों लोगों को जाएगा जिनको किडनी की बीमारी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स दूसरे पेशेंट से सीखे, क्योंकि मुझे लगता है वो पेशेंट्स की ज्यादा सुनते हैं और डॉक्टर्स की कम सुनते हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल अभी आपने भी बोला कि आपने किसी और पेशेंट से सुना। अभी एक रिसेंटली एक लड़की आती थी यहाँ पे पायल करके, तो मैं वहाँ पे भी था उसके साथ, तो वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करती थी, छोटी लड़की थी, उसके मम्मी पापा मेरे से बहुत पूछते थे, तो मैं उसको बार बार समझाता। तो अभी क्या हुआ कि जब वो डायलिसिस करा रही थी तो उसको निडल निकल गई, उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ब्लड जो है वहाँ पर फर्श पे फैल गया, और वो घबरा गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसको बहुत बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्लड है, पतला होता है, फैल जाता है, कोई बात नहीं, आप डरो मत। लेकिन वो इतना डर गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, वेंटिलेटर पे पहुंच गई, और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। तो अगर हम निराश, उदास, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को हिम्मत रखनी है और लड़ना है। मेरे एक पास तो यही कहते हैं कि जब तक आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, बहुत अच्छा, आप हार जाओगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।